अमेरिकन डॉलर, कनेडियन डॉलर, है ना। तो लोग बहुत क्रेज करते हैं ना वहां पर जाना चाहते हैं कनेडा अमेरिका। तो आप लोग यहाँ भी देखिए यूरोप के सारे देश इकट्ठे हैं, पैसा भी एक है, कहीं पर जाए यहाँ पर लोग ज्यादा काम भी नहीं करते और लाइफ भी अच्छी अपनी एंजॉय करते, पर ना फोर डे काम करते हैं वीक में, जैसे 4 दिन काम करना और 3 दिन आराम करना, और 94 भी हो जाता है यूरोप। पुर्तगाल और बॉर्डर खुले, अगर वहाँ पे आगे तो आराम से यहाँ पर आके रह सकते। साहब कहते मैंने ऐसे देखा पीछे से लड़के को पकड़ना, या हाँ ऐसे करके सिखाओ। देखो वेरी गुड मम्मा, देखो मम्मा, देखो मम्मा मैंने डाल दिया है, बस अब इसके ऊपर नमक डाल दूंगी और मिर्च थोड़ी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं, बच्चे हो गए रेडी और 7:30 हो गए सुबह के, हम लोग उठ गए हैं, बस अभी कर रही बच्चों को रेडी, भेजती हूँ स्कूल। अरमान भी उठकर बैठा है, देख रहा अपना टीवी। अलीजा भी हो गई रेडी क्योंकि वो थोड़ा पहले जाती है ना, अवलीन तो मेरे और अरमान के साथ जाएगी। अवलीन बना रही है अपना ब्रेकफास्ट और दूध पी लूंगी और स्कूल पर जाके। हाँ बेटा ले लो अपना दूध ले लो, अनीजा आप भी पी लो बेटा। अरमान वहां बैठा, अभी मैं उसको रेडी करती, सुबह सुबह ना पहले टीवी देखता बैठकर। वो कपड़े मैंने रात अंदर रख दिए थे, अभी मैंने लपेट दिए हैं और थोड़ी देर बाद मैं इनको ले जाऊंगी और फिर उठाती हूँ बर्तन वगैरह। हाँ ये लोग, हाँ बेटा होगा देखो, फिर ये सब उठाती, बच्चों ने कर लिया अपना सुबह सुबह ब्रेकफास्ट। मौसम ठीक है आज, बारिश नहीं है मेरे को लगता है, बस दिन निकलने ही वाला है। अरमान हो गया रेडी, थोड़ी देर बाद अरमान स्कूल जाएगा, अभी बैठा मम्मा की गोदी में है अरमान। सुबह सुबह बच्चे का मन नहीं करता ना, क्योंकि यहाँ पर तो टाइमिंग सेम ही है, 8:30 अरमान जाता, 8:30 लीजा लीन जाती दोनों। अरमान हाय बोलो। और अभी अरमान खाएगा, खाकर जाएगा। हाँ 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 चलो चलते स्कूल चलते, बस इनको जा रही हूँ स्कूल छोड़ने। अरमान को छोड़ने जा रही हूँ, टीचर ने बोला अरमान को पैदल लेकर। नहीं बेटा वो नहीं जाना बग्गी, आज से चलेंगे पैदल आज, ठीक है? टीचर ने बोला आपकी मारियाना ने, कहती अरमान को बग्गी में मत बिठा, अरमान बड़ा हो गया। अरमान हाथ पकड़ के चलेगा मम्मा का, चलो हाथ पकड़ो, चलो भाई आ जाओ, चलो भाई चलो भाई, कहता लो पो चल के जाना, डच में लो पो बोलते है ना, लो पो अरमान। अवलीन थोड़ा धीरे चलो बेटा, देखती हूँ आज कैसे जाता है, अगर ठीक अगर ठीक से गया तो फिर रोज ऐसे छोड़ाया करेंगे। कहती इसका साइकिल लेके आओ, मैंने कहा साइकिल से थोड़ा मुश्किल हो जाता, सुबह सुबह बहुत गाड़ियाँ होती है ना, ये बहुत भगाता, फिर मेरे से पकड़ा नहीं जाता। तो मैंने कहा टीचर मैं या पैदल आऊंगी या फिर बग्गी से ही आऊंगी, आज देखती हूँ क्या करता नहीं, कल बग्गी लेके जाऊंगी इसकी। सुबह के बज गए 11 और मैं जा रही हूँ थोड़ी सी ग्रोसरी करने, अरमान के आने से पहले मैंने कहा सामान ले आ, काम सारा खत्म हो गया, आकर मैं देखती हूँ आज रसोई का सामान थोड़ा सा निकालूंगी जितना मैं कर सकती हूँ, धीरे धीरे करके करूंगी, फिर बाद में ना नेक्स्ट वीक बच्चों की छुट्टियाँ आ जाएंगी तो फिर बच्चे घर पर होते हैं तो फिर काम इतना नहीं कर पाते। इसमें से पैसे निकले पता नहीं कब डाले थे जेब में, तो बस अभी चलते हैं, थोड़ा सा सामान लेने, ब्रेड वगैरह और कुछ रह गया जो लेकर आते हैं। अभी तो बारिश रुक गई सुबह थे, और मान तो सुबह सुबह खुश होता स्कूल जाकर ना, चलते हैं। मैं आ गई हूँ सुपरमार्केट में और अभी हम लेते हैं धीरे धीरे सारी ग्रोसरी, चलते हैं ब्रेड देखते हैं। अभी मैं आ गई हूँ फ्रूट लेने, ऑरेंज लेते हैं और ये पेर लेते हैं, अरमान को पसंद है। बेसन खत्म हो गया तो मैंने कहा चलो बेसन लेते हैं, यहाँ पर ये वाला मिलता है,
गई तो खाली थी, आई हूँ भरकर, काफी सारा सामान हो गया, बग्गी भर गई, बस धीरे धीरे लेकर आई हूँ। अभी मैं करती हूँ लंच की तैयारी, सामान निकालू पहले क्या लेकर आई, इसको सबको रख दू सेट करके, उसके बाद फिर कुछ देखती हूँ क्या बनाती हूँ। हाँ माँ, आज ना मैं पैसे निकलवाने गई, क्योंकि ग्रोसरी के पैसे हम लोग ऐसे ही ला कर रखते महीने के ना, मैं वीक में 150 ले जाती हूँ और पूरी ग्रोसरी हो जाती है, 600 रुपये लगता है, 600 यूरो महीने का। तो मैं यहाँ पर ये देखने लगी जो नोट के ऊपर बना है, देखना फ्रेंड्स जो चक्री बनी, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन लिखे है ना। तो मैं सोचने लगी, मैंने कहा मैंने डॉलर तो देखे नहीं, पर इंडिया में बड़ा क्रेज है डॉलर का, अमेरिकन डॉलर, कनेडियन डॉलर है ना, तो लोग बहुत क्रेज करते ना, वहां पर जाना चाहते कनाडा अमेरिका। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती थी कि यूरोप भी बहुत ही अच्छा है रहने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर लोग ज्यादा काम भी नहीं करते और लाइफ भी अच्छी अपनी इंजॉय करते हैं, जैसे सुबह 9 से 5 बजे तक काम करते हैं। यूरोप में एक और, यहाँ पर ना 4 डे ही काम करते हैं वीक में, जैसे 4 दिन काम करना और 3 दिन आराम करना, और पैसे फुल मिलते हैं, इसलिए तो लोग आना चाहते हैं। थोड़ा आप लोग इधर भी आ सकते हो फ्रेंड्स अगर बनता, अब तो पहले तो बहुत कम लोग थे जब मैं आई थी, अब तो यहाँ पे आईटी इंजीनियर बहुत आते हैं, आईटीआई इंजीनियर हमारे पड़ोस में भी रहते हैं, अब तो काफ़ी आने लगे हैं यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ भी देखिए यूरोप, कि यूरोप के सारे देश इकट्ठे हैं, पैसा भी एक है, कहीं पर जाए तो सेम पैसा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम भी कनाडा अमेरिका में आएंगे देखने कि वहाँ पर कैसा है ना। आपका मोस्ट वेलकम है, आप आइए यूरोप में, देखिए घूमिए, अब तो टूरिस्ट वीज़ा भी मिलने लगा यूरोप का। और हॉलैंड बहुत अच्छा देश है, नीदरलैंड, आप लोग कल पूछ रहे थे पोलैंड है कि हॉलैंड है, एक्चुअली ये नीदरलैंड है फ्रेंड्स, और हॉलैंड ऐसे बोलते पुराना नाम, जैसे हम इंडिया को भारत बोलते हिंदुस्तान बोलते हैं ना, ऐसे एक दो नाम होते ही हैं, वैसे इसका नाम हॉलैंड है, वैसे नीदरलैंड है, और एक पोलैंड है वो भी अब यूरोप में आ गया है, सारे देश इकट्ठे हैं, काफी देश हो गए हैं, बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, मन लग गया अब तो यहाँ पर आकर, आप भी आकर रहकर देखिए यहाँ पर, आप आ सकते हो यहाँ पे इटली, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, सभी जगह, नॉर्वे, जर्मनी, बेल्जियम, ढेर सारे देश हैं, डेनमार्क, और बॉर्डर खुले हैं, अगर आप वहां पे आ गए तो आराम से यहाँ पर आके रह सकते हो। तो अभी मैं पैसे संभालू, मैंने कहा दिखाऊं आपको, वैसे ये बात है इंडिया के भी हाई बनते हैं पैसे, जो यूरोप का 1 यूरो है तो 94 भी हो जाता है यूरो, हम लोग तो इंडिया में गिनते हैं, मैं रोज गिनते हुआ जी इंडिया में इतना हो गया उतना हो गया, आदत है ना, क्योंकि हमारा खून ही ऐसे है। तो अभी मैं पैसों को संभाल के रख के आती हूँ और फिर वीक में ले जाया करूँगी, वैसे पैसे होते हैं अकाउंट में, पर मेरी आदत है मेरे को पता चले ना कि मेरे को घर खर्च के लिए कितने मिलते हैं, कितना बचाया, बचाती तो मैं नहीं कम, कभी कभी ज़्यादा भी लग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो आदत होती है कि हाथ में पैसा हो ना कभी भी यूज़ कर सकते, कभी हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर तो हम लोग पिन नहीं कर सकते ना, वहां पर तो खुला ही चलता है, ऐसे पैसे लेकर जाने पड़ते हैं, तो फिर साहब कहते महीने का ले लिया करो, दूध वाले को भी हम ऐसे ही दे के आते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो निकलवा के ला दो, तो आज कहते पैसे ले लो, मैंने कहा दो, कौन मना करता है ना पैसे को। तो मैं आज फिर 7 बजे उठती हूँ, या 6:45, मेरा मन तो करता है कि 6 बजे उठूँ, अब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो फिर मैं 6 बजे उठा करूँगी, 5 बजे 6 बजे उठकर पाठ कर लिया, अपनी एक्सरसाइज कर ली, अब मैं एक्सरसाइज करती हूँ योगा जब ये जाता है स्कूल, आज तो गया था तो कल इसको छुट्टी है, तो कल रहेगा मेरे पास सारा दिन, चलो कल माँ बेटा कर लेंगे क्लीनिंग। कुछ मैंने एलिजा को बोला, मैंने कहा बेटा इस बार आप मेरे साथ थोड़ी हेल्प करवाना, क्योंकि आपकी छुट्टियाँ आ रही हैं, इस बार इनकी छुट्टियाँ दिवाली के वाले वीक में ही हैं, पूरा वीक ये घर पर है, तो फिर हम लोग सफाई करेंगे, डेकोरेशन करेंगे और शॉपिंग भी करेंगे थोड़ी बहुत अलीजावलीन के साथ, क्योंकि मैं अकेली जाती हूँ, ये तो दोनों स्कूल जाती है ना। ढेर सारा सामान हो गया, इस बार मार्केट नहीं जा हुआ, ब्रेड नहीं मिल रहे थे, फिर उसने आधे आधे दो दिए, तो कहती एक का रेट लगा दी है ऐसे ले लो, वैसे हम मल्टीग्रेन ब्रेड लेकर आते हैं, मैं बच्चों को जितना मर्जी बोल दूं कि आप रोटी ले जाओ या पराठे,
तो कहते मम्मा स्कूल में कोई नहीं खाता, जैसे रिवाज है ना फ्रेंड्स वैसे ही चलता है ना। फिर अलीजा भी ब्रेड लेके आती, कभी उसमें सोया डाल देती है, कभी एग, बीच में सलाद डाल देती है, ऐसे बनाती है। शुक्र है हमारे दुकान खुल गई, नहीं तो बेसन लेने के लिए मेरे को यहाँ से 20 मिनट दूर जाना पड़ता। अभी तो हमारे मिलने लगा है यहाँ पर। मैंने कहा चीला बनाऊंगी कल अरमान और अवलीन के क्रैकर, उनको पसंद है और दोनों को सबसे ज्यादा पसंद है फ्रूट्स, तो मैंने लिए एप्पल, ऑरेंज और मैंने लिए नाशपत्ती, सारे फ्रूट लिए। अभी आकर पूछेंगे दोनों मम्मा लेके आए कि नहीं। तो ये पेड़ है अरमान के और अवलीन के। लीजा फ्रूट कम खाती, बहुत कम। और ये क्यूकम्बर मार्केट में तो मिलते हैं 4-1 यूरो के, यहाँ 1-1 यूरो का मिला। चलो मैंने कहा जाएंगे फ्राइडे तक, टाइम मिल गया ना तो मार्केट जाएंगे। आज मैंने चने नहीं भिगोए तो मैंने कहा चने भी ले आती हूँ, ये भी 1 यूरो के दिए। कल भिगोऊंगी पास्ता सॉस, इतना सा ही आया। शुक्र है ये बग्गी, अगर बग्गी ना हो ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये चीज फिले मैंने कहा वीकेंड में इसकी जरूरत तो पड़ेगी। और अनियन खत्म हो गए थे, दही वो लेके आई हूँ, ग्रीक योगर्ट खाते हैं बच्चे वो पसंद वाली, उनके लेकर आई हूँ। अभी तो लस्सी है, अरे दही टूट गई है, क्या हो गया, उस पर वेट आ गया। अभी मैं इसको पहले क्लीन करके रखूँ या किसी और डिब्बे में डालते हैं। पहले मैं धो, मैं टेप भी लेके आई थी आज ना, 80 सेंट की मिल रही थी, मैंने कहा बच्चे बहुत यूज करते हैं टेप को, तो टेप भी ले आता, दही पर टेप लगाते हैं क्योंकि मेरे पास और डिब्बा तो नहीं है। टेप लगा के इसको संभाल के रखते हैं, एक दिन में ख़त्म हो जाती, 2 दिन में। चाकू ही नहीं मिल रहा यार, काट के जल्दी से लगा के फिर सामान संभालू सारा। और फिर मैं ना सोया लेके आए थे कल, सोया वाले बहुत होते हैं टिक्कियां, बर्गर कुछ भी बोल दो उसको, ऐसे हम सलाद के साथ भी खा सकते हैं, उसमें वो ब्लैक पेपर और नमक होता है और तो कुछ नहीं, तो बस वो डाल कर ना मैं बना देती हूँ पिटा ब्रेड। अलीजा खुश होके खाती है, अवलीन भी, मैं तो खाऊंगी सलाद ही, ब्रेड नहीं खाऊंगी। मैं बनाती हूँ हमारे लिए सलाद और बच्चों के लिए वो क्या हो गई है, टेप को लगाए इधर डिब्बे पर देख, ये दही वाला डिब्बा, मैं सोचती हूँ ऐसे लगा लूँ ना, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं नहीं लगता ऐसे लगेगा, फिर लगता ही नहीं इसके ऊपर। क्या ऐसे लगा देते, चलो हमारा दही तो नहीं निकलेगा। पता नहीं कैसे नहीं, शायद बाहर आ गया किसी चीज का ना, इसलिए टूट गया। चलो क्रैकर भी डालते हैं, बच्चे इतना जल्दी खत्म कर देते हैं ना दोनों, इसमें कोई फैट नहीं है कुछ नहीं, तो मैंने कहा खा सकते हैं ये तो। मीठे से तो अच्छा कैंडियों से, अगर बच्चों को भूख लगती है ना तो इस पर थोड़ा सा चीज लगाकर, स्प्रेड चीज मिलता है यहाँ पर, वो लगा देती हूँ। और फिर अरमान भी स्कूल में खाता है एक्चुअली, जब टीचर उनको 10 बजे खाने को कुछ देती, जा तो फ्रूट देती है और या ये वाले क्रैकर देती है। ये चावलों के होते हैं बहुत ही हल्के, मैं इसे खोल के डाल देती हूँ, अपने आप निकाल लेंगे दोनों। तो अरमान को पता है कि टीचर रोज देती, इसलिए उसको पता, फिर वो बोलता आकर मम्मा क्रैकर, तो जल्दी से संभालू और सोया रखूं, लेट हो गया। ये वाला सोया है फ्रेंड्स, देख लीजिए बहुत टेस्टी होता है, इधर लिखा भी है कि ये वेजिटेरियन है। बच्चे सारे खुश होकर खाते हैं, लीजा लीन अरमान, 4 पीस है उनके लिए बना देती हूँ। मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया थोड़ा सा, गर्म हो जाए तो फिर हम ये बना देंगे और फिर पिटा ब्रेड बनाते हैं। हमारा सोया
बन रहा है, एक साइड से पक जाएगा फिर मैं इसको पलट दूंगी। तवे पर मैंने थोड़ा सा घी लगाया, ब्रेड को किया गिल्ला, तो अभी हम ब्रेड बनाते हैं। सोए वाली टिक्कियाँ हमारी बन गई हैं, ब्रेड को हम पकाते हैं और उसके बाद चीज़ डालेंगे इसमें। अभी हम करते हैं सॉस रेडी। मेयोनेज डालूंगी मैं एक चम्मच, थोड़ी सी ऊपर, और अभी हम इसमें डालेंगे हॉट चिल्ली सॉस। ये वाली देखिए, ये अलीजा को पसंद, अवलीन को भी, तो मैं मिक्स कर दूंगी इसमें। थोड़ी थोड़ी करके डालते हैं, अभी हम इसको मिक्स करेंगे ब्रेड में, फिर लगाएंगे चीज़ डालकर, सलाद डालकर ना। ये हमारी सॉस होगी रेडी, हमारा ब्रेड हो गया रेडी। देखिए कितना अच्छे से फूल गया है ना, जैसे नान ऐसे बन गया। तो अभी हम इसको बनाते हैं और दूसरा रख देते हैं यहाँ पे, ये बनता रहेगा। ये हम अवलीन के लिए रेडी करते हैं, वो आती होगी। ब्रेड को मैंने बीच में से काट लिया, देखिए गर्म अभी तक। अभी हम इसमें डालेंगे चीज़ अवलीन के लिए अच्छे से, डालने के बाद वो मेल्ट हो जाएगा। डाल दिया चीज़, अभी हम डालेंगे सोया, सोए को काट कर। ये डाल दिया सोया, ऊपर हम थोड़ी सी सॉस लगाएंगे। चाकू के साथ अच्छे से, ज़्यादा भी नहीं थोड़ी। और अभी हम डाल देंगे इसके ऊपर क्यूकम्बर। खा लो बेटा, सलाद क्यों नहीं खाते, सलाद तो खाना चाहिए। अवलीन आ गए, और ये है अवलीन का यम्मी यम्मी, अवलीन का यम्मी यम्मी ब्रेड रेडी हो गया। लो बेटा ले, हाय बोलो, आप आ गए, बोलते नहीं, मैं दूसरा बनाऊं। हाय, अभी बनाते हैं। क्या हुआ था, मैं ना स्कूल से आ रही थी और एक और भी क्लास में जाता है, और हमको ना एक बिल्ली मिल गई, उसका प्राइस ना 1200 यूरो। सब लोग देख रहे, हमें मिल गई। हमने सोचा पहले में, मुझे पापा के साथ भी मिली थी पर फिर वो भाग गई, और आज मुझे फिर मिल गई मेरे क्लास में एक साथ। फिर हमने इतनी कोशिश की पर बिल्ली फिर सबके ऊपर भागी, किसे गई, फिर हम पकड़ी नहीं गई। आप खाओ बेटा, नहीं तो हम पैसे आधे आधे करते। कौन कौन था आपका फ्रेंड भी? नो, स्कूल में शायद वो बिल्ली मिल गई बेटा उनको, आपको वहम। हाँ, वो तो कब से मिल गई, मैं लगता हूँ तो मिल गई बिल्ली, इसलिए इधर ही है। आपके लिए मैंने बना दिया, अभी थोड़ा सा सलाद डालते हैं। अभी हम डाल देंगे साहब के लिए सलाद, ये मैंने बना कर रखा है, थोड़ा सा अपने लिए, थोड़ा सा साहब के लिए। ये देखिए, तो उनकी प्लेट होगी रेडी। एक मैंने ग्रीन चिल्ली रख दी है, साहब का मैंने डाल के रख दिया, और अभी वो आएंगे तो खा लेंगे। लस्सी मैंने डाल दी है शाश, और उनका खाना अवलीन खा रही है अपना। मैंने कहा अरमान को ले, आज मैं ब्रेड बनाने लगी, मेरा और अरमान का, मैं आधा खाऊंगी, मेरा भी मन किया, मैंने कहा थोड़ा सा खा लूँ, थोड़ा सा सलाद। कभी कभी हो जाती है, वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि सुबह ना खाऊं, पर ये वाला ब्रेड है इतना टेस्टी। मैंने कहा चलो मैं भी हाफ खा लेती हूँ। अरमान अरमान आज ना बिना टायरों के साइकिल चलाएगा पहली बार। है अरमान, अरमान के टोपी दिए, गिरेगा तो चोट नहीं लगेगी। मैंने साहब को कहा आप साथ जाओ, क्योंकि क्या पता गिर जाए। फिर वो उतार दिए उसके जो साइड वाले टायर थे ना हमने। अरमान चला लोगे? या मम्मा, हाय बोलो सबको। अरमान मेरे को ना वो लगता है जो अलादीन वाला लड़का नहीं होता, टोपी लेता है, बाल बाहर आते हैं। अरमान इधर दिखाना, हे अलादीन, अलादीन, अलादीन।
इधर देखो भाई आला दिन नहीं लगता ये। जैस्मिन ले आओ, जैस्मिन। अच्छा जैस्मिन लाओगे? हाँ। साहब कहते मैंने ऐसे देखा पीछे से लड़के को पकड़ना है, बैलेंस बनाना है अरमान का। चलो अरमान चलो चलो चलो, पहले सहारा होता था ना साइड में, अभी देखना अरमान मेरे को लगता नहीं अभी कर पाएगा, छोटा है अभी। चलो 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 अरमान, अब साइड में क्यों जाते हो बेटा? हाँ पहले स्पोर्ट थी ना, अब स्पोर्ट निकाल दी है। कंबल पकड़ के जा रहे, देखो ये क्या नई चीज बनाई है अरमान। है अरमान, चलो 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 चलो, धीरे धीरे सीखेगा, दो दिन लेके जाएंगे ना पकड़ पकड़ कर, फिर इसको आदत बन जाएगी बैलेंस बनाने। आज हमारे स्ट्रीट साफ करने वाले आए थे, काफी कम पत्ते हो गए अब। चलो भाई मेरे से भागा नहीं जा रहा, आप जाओ मैं धीरे धीरे आती। हाय 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 अरमान अरमान अरमान, हाय हाय पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हाय रहने दो भाई, फिक्स दो, फिक्स कर ला दे, जा जा करो अपने आप करने दो। बाप की सांस चढ़ गया मेरे को, चल मैं भी पतला हो जाऊं अपनी। चलो 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 चलो, हाँ अपने आप जाने दो, आप पकड़ते उसे चला नहीं जाता। या हाँ ऐसे करके सिखाओ। हाय मेरा पुत्र, रहने दो उसका गला ही घोट दोगे ना पुत्र, ना चला अरमान। आज अरमान के प्रैक्टिस हो रही है, मैं भी टोपी लेके, मैंने कहा ठंडी हवा है, थोड़ी देर बैठती हूँ धूप में, थोड़ी थोड़ी धूप तो है, उसके बाद चलते अरमान थोड़ा साइकिल सीख ले। कर लो साइकिल और चलाओ, दोनों ने मिलके साइकिल ही तोड़ दी है, चैन ही नहीं आ रही है क्योंकि ये फिक्स कर दिया ना। अरमान आपका साइकिल टूट गया, ओ नो, अभी ये रोएगा देखना। घर पे जाके इसको लेके खोल के कर दो ना। मैं इसको ना चिपकाया था। अच्छा गूंद से, फिर अब तो खराब हो गया बस। चेन देखना बिल्कुल नीचे से निकल गई है, चला चला के अरमान ने सारी ये खोल दी है। अरमान ये क्या हो गया? हाँ फिर टूट गया ना, ना बोला अभी तक किसको मत सिखा। हाँ अभी छोटा है ना इसलिए देखो क्या हाल है। मैंने पहले ही कहा था साहब मानते ही नहीं, धीरे धीरे करके आएगा बेटा। अरमान आप खेल लो, आज उतनी देर बनाने दो पापा को। अरमान ने खेल लिया, अभी हम जा रहे हैं वापस, धीरे धीरे चलवा कर इससे साइकिल सीख ले, साहब ने बना दिया। चलो भाई अब तो लगता आ जाएगा एक दो दिन में, दो तीन दिन रोज आना पड़ेगा। अरमान आ जाओ, मैं खड़ी हूँ देखती हूँ सीधा चला के आता है। मम्मा को देखो, 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 वेरी गुड, मम्मा देखो, मम्मा देखो, मम्मा कहाँ पर है, मम्मा कहाँ पर है, आ गई आ गई आ गई, मम्मा को देखो, मम्मा कहाँ भागेगी इतना। अरमान बताया दीदी को साइकिल चलाया? या मम्मा, दीदी को पप्पी दो, दीदी स्कूल से आ गई बेटा। कैसे किया अरमान ने साइकिल, कैसे चलाया बताओ तो सही, ऐसे चलाया ऐसे चलाया, इधर आके दिखाओ कैसे किया साइकिल। हमने ना अलीजा कपड़ा बांधा, कपड़ा बांध कर पापा ने पकड़ा है, पकड़ कर खींचा इसको, फिर इसने साइकिल सीखा। मैंने किसी मम्मी का देखा इंस्टाग्राम पे, वो करी। हाँ वैसे ही किया, अभी अलीजा अपना लंच कर रही है आकर। स्कूल कैसे था? अच्छा था। आज मैंने जला लिया चूल्हा, मैंने कहा चलो आज बाहर खाना बनाते हैं, प्याज भून रहे हैं इधर, और मौसम बहुत अच्छा हो गया अभी,
बादल हैं, धूप है, तो मैंने कहा थोड़ी देर धूप सेकते हैं। जब मैं बाहर बैठती हूँ तो अरमान भी मेरे पास आ जाता है ना अरमान। अरमान कहता मैंने खेलना, तो मैंने कहा बना दो खाना, तड़का लग रहा है बस। अभी हम डाल देंगे चिकन, साहब को बाहर का खाना अच्छा लगता है ना, तो मैंने कहा चलो इनके लिए मैं चिकन वगैरह बाहर ही बना देती हूँ, खा लेते खुश होकर। मेरे पास साग पड़ा, मैंने कहा उसके साथ रोटी खा लूँगी, आटा गूंद के रख दिया मैंने, और अभी इनके लिए चिकन बना देती हूँ। चूल्हा जल रहा है, मैंने कहा थोड़ी सी आग सेक लूँगी बैठ कर। अलीजा कर रही है अपना मैथ क्लास। अच्छा सारा मसाला डालना, क्योंकि हल्दी मसाला सब इसी में ही है। मिर्च वो येलो वाली मिर्च डालूँगी मैं, पहले मैं डाल तू फिर दिखाती हूँ आपको इसकी तरी। देखिए मसाला भुन गया ना, तो अभी हम चिकन डाल देते हैं बस, और इसके बाद ढककर पकाएंगे इसको। मैंने डाल दिया है बस, अभी इसके ऊपर नमक डाल दूंगी और मिर्च थोड़ी सी। ढककर पहले भूनेंगे, जब 5-10 मिनट के बाद ना फिर हम इसको इसमें डाल देंगे वो पानी थोड़ा सा, फिर पकता रहेगा धीमी धीमी आंच पर। अभी मैं ढककर जाती हूँ, नमक लेकर आती हूँ। अरमान इधर खेल रहा मेरे पास, आ जाओ अरमान, मैं अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहती, आ जाओ मेरे साथ। अभी हम डाल देते गरम पानी और हिलाकर फिर इसको ढक के पकाते हैं। ये बनता रहेगा, अभी आग मैंने सेट कर दी है। चलो अरमान अंदर चले, सामान उठाकर आ जाओ, कपड़े भी सुखा दिए, रात को रख देंगे अंदर तो अच्छे से सूख जाएंगे, हवा निकल जाएगी इनकी अभी। हाँ 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 खा लेना एप्पल बेटा। या इधर बैठ, टीवी के पास बैठ कर खा लो। मम्मा जो रेसिपी देख ले। हाँ हाँ देख लो, इधर बैठ कर खा लो, मैं अपना काम करूँ। देखिए चिकन हो गया रेडी, मैंने चूल्हे से उतार लिया, अभी साहब को डालते हैं खाना। 5 बज गए हैं, क्योंकि उनका मील 5 बजे होता है, सुबह 11 बजे और उसके बाद 5 बजे। वेट करते हैं। नहीं नहीं खा लो आप, बच्चे आएंगे फिर मैं उनको दे दूंगी। डालो लो जी, वाटर देती पहले, खा तो लो दही के साथ। अरमान बोला बाय बाय।